हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के बारे में। तो आप लोग यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को आर्टिकल्स जो हैं, अगर कुछ याद हो जाते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमें क्या याद करना है और कहाँ तक हमें अपनी प्रेपरेशन करनी है। तो अगर हम बात करें कि सारे आर्टिकल्स की, तो वो हैं आप लोगों के 448, ठीक है, ये आप लोगों को हटा लेना है। और यहाँ पर आप लोगों के अमेंडमेंट्स मैंने लिखे हैं, जो बेसिक कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं। तो अभी तक जो टोटल अमेंडमेंट्स हो चुके हैं वो 106 हो चुके हैं, 106 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। पार्ट्स की बात बात करें तो पहला जो बेसिक आप लोगों का था कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें 22 थे, और अब कितने पार्ट हैं, 25 हैं। शेड्यूल आपके 8 थे, अब 12 हो चुके हैं। तो चलिए आप लोगों के साथ में शॉर्ट ट्रिक आप लोगों के लिए यूज कैसे करनी है आप लोगों ने उसे देखते हैं। तो 101 अगर आप राष्ट्रपति, राष्ट्रपति से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है आप लोगों का 52। इसी तरह से आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो राष्ट्रपति से रिलेटेड जो है वो 52 है। 52 में अगर आप 101 ऐड करते हैं तो आपको राज्यपाल मिल जाता है। तो देखिए, राष्ट्रपति की जो भूमिका देश में है वही राज्यपाल की भूमिका क्या है, राज्य में आप मानकर चलिए। तो यहाँ से आपका 101 आपने ऐड किया, 153 हो गया। और अगर आप इसमें 10 ऐड कर देते तो आपको मुख्यमंत्री मिल जाएगा। राज्यपाल के बाद जो इम्पोर्टेंट पर्सन है वो क्या है, मुख्यमंत्री है। तो दोनों आप लोगों को याद हो गए होंगे। अब आ जाते हैं जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का आपका 52 है, 52 में अगर आप 11 ऐड करते हैं, 11 ऐड करते हैं तो आपको उपराष्ट्रपति मिल जाता है। राष्ट्रपति से रिलेटेड जैसे कि उनका निर्वाचन की बात करें तो 54 है आर्टिकल, और अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करें तो आर्टिकल 61 से लगाया जाता है। तो इतना आप लोगों को याद हो गया होगा। अब थोड़ा सा हम नीचे को चलते हैं। पीडीएफ आप लोगों को क्लास में ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, बस यहां पर मैं आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन दोबारा कर रहा हूं कि चीजें आप लोग कैसे याद करेंगे। क्षमादान की बात करें तो क्षमादान देता कौन है, राष्ट्रपति, तो वो है आप लोगों का आर्टिकल 72। और संयुक्त बैठक यहाँ पे है आप लोगों का 108, और 123 का है अध्यादेश, और 143 है आप लोगों का जो सुप्रीम कोर्ट है उससे परामर्श। तो ये सारे आप लोगों के किससे रिलेटेड है, राष्ट्रपति से रिलेटेड है। तो सारे इंपॉर्टेंट आप लोगों को याद हो गए होंगे। अब यहाँ से आ जाते हैं, थोड़ा सा आगे आगे बढ़ते हैं। अगर हमने 11 ऐड किया है, किसमें, 52 था आप लोगों का राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति में अगर हम 11 ऐड करते हैं तो 11 ऐड करने पर हमें मिल जाता है उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति से हमें मिल जाएगा यहाँ पे 63, 64 याद हो जाएगा, ये है आप लोगों का सभापति। उपराष्ट्रपति में अगर आप 11 ऐड करते चलें, देखिए 11 ऐड किया है, फिर 11 ऐड किया है यहाँ पे, ठीक है, तो आप लोगों को मिल जाएगा मंत्री परिषद से रिलेटेड आर्टिकल। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं। नियुक्ति, मंत्रिपरिषद, यहाँ पे मंत्रिपरिषद का मतलब क्या हुआ, उपराष्ट्रपति के बाद यहाँ पर है आप लोग पीएम, और इससे नीचे आ जाता है उनकी नियुक्ति, और महान्यायवादी, ये है आप लोगों का 76। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं उन सभी आर्टिकल्स को एक साथ देखेंगे। 100 तक टोटल जितने हैं आप लोगों के सारे आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को याद करने हैं। अब आ जाता है धन विधेयक। धन विधेयक 110 का है, बजट का 112 है, और 124 है आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन। तो देखिए 110 का धन और 112, ये मैंने आपको बजट वाले पार्ट में भी बताया था कि 112 रुपए का आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये हमारे देश का बजट 112 रुपए का होता है। इस तरह से आपको इससे थोड़ा सा फन वे में याद करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। उससे 2 रुपए अगर आप निकाल दें तो 110 क्या होगा आपका, धन विधेयक आप लोगों का बन जाएगा। और 12 से आप 24, ये आप लोग एससी या सुप्रीम कोर्ट आप लोग इसे बोल सकते हैं। तो क्या है कि जो एक ग्रुप है उसे याद करना यही है, और यहाँ पे आप लोगों को इजीली याद हो जाएगा। जैसे आप लोगों को याद रखना है सरल, सरल आप किस तरह से देखिए 79, 80 और 81, ठीक है, तीन है आप लोगों को इसके नीचे लिखना है सरल। तो जैसे आप यहाँ पे सरल लिखेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा संसद से रिलेटेड कौन सा है 79, राज्यसभा से 80, और जो लोकसभा है वो है आप लोगों का 81। तो इतना आप लोगों को इजीली याद हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नेक्स्ट जो आप लोगों के टॉपिक्स हैं उन्हें लर्न करते हैं। यहां से अब देखिए 1 2 3, ये 1 2 3, इसी तरह से आपको ये जो सीक्वेंस है ना, इस पूरे सीक्वेंस को आपको कम से कम 2 बार लिख लेना है। 2 बार लिखेंगे सीक्वेंस आप लोगों को इजीली याद हो जाएगा जो इंपॉर्टेंट है। जैसे 1 2 3 लिखना है, फिर उसके बाद 3 के बाद 4 नहीं है, 5 लिख लेना, 5 के बाद सीधे 14 लिखना है, फिर 17 19 21 22 32, इस तरह से आप लोगों को पूरा 100 तक काउंट करते हुए आगे को चलते रहना है। और जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही नंबर्स आप लोगों को लिखना है। 2 4 बार लिखेंगे सारे याद हो जाएंगे, फिर उनसे रिलेटेड आप लोगों को चीजें उनको कोरिलेट कर ले। जैसे 1 2 3 ये राज्य से रिलेटेड है, शॉर्ट में आप लोगों को याद है। 5 में क्या है, नागरिकता। नागरिकता आप इस तरह से भी याद रखेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 नागरिकता लिखते हैं जब ना, तो नागरिकता इस तरह से आप लोगों ने किया, तो कितने वर्ड आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 आ रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों को नागरिकता याद हो जाएगा। उसके बाद आता है समता, समता 14 में, और फिर 17 ये अस्पृश्यता है, और स्वतंत्रता 19 21, मीन्स इनके बारे में लिखा गया है, ठीक है। इनसे रिलेटेड ये आर्टिकल्स हैं तो मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता रहा हूँ। और इसके लिए भी आप लोगों का जो बेस्ट ट्रिक है वो आप लोगों को कार्ड्स ही है, आप कार्ड्स बना लेंगे। जैसे 61 लिखा है पीछे, अब देखिए महाभियोग वाले राष्ट्रपति वाला आप लोगों को याद हो गया, 52 राष्ट्रपति हो गया। अब मैं आप लोगों को पूछूंगा कि उपराष्ट्रपति से रिलेटेड बताइए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, राष्ट्रपति में कितना प्लस 11 ऐड कर देंगे, तो आप लोगों को देखिए क्या मिल गया, उपराष्ट्रपति मिल गया। तो इसी तरह से आप लोग चीजों को इजीली याद रख सकते हैं। और राष्ट्रपति से रिलेटेड हमने याद भी किया था, देखिए 2 ऐड किया था, तो 54 हमें मिला था, निर्वाचन हमें याद हो गया था, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। महाभियोग 61 याद हो गया था। तो इसी तरह से ऊपर जो हमने लिखा था उन चीजों को हमने याद किया है, काफी सारी चीजें याद भी हो जाएंगी आप लोगों को। आ जाते हैं आगे, यहाँ पे 21 के बाद 22 गिरफ्तारी से रिलेटेड है, 32 संवैधानिक उपचार, और फिर आता है 36 में नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व के बाद में आ जाता है आप लोगों का पंचायत, और फिर थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लेते हैं नीचे तक, जिससे कि आप लोगों को ये इजीली दिखाई दे। ये है आप लोगों का समान सिविल जो संहिता है, जिसके बारे में अभी काफी ज्यादा चल रहा है यूसीसी, ठीक है। 213 213 राज्यपाल का अध्यादेश, 108 संयुक्त बैठक, ठीक है 108। अब देखिए 108 मैंने संयुक्त बैठक किस तरह से याद किया था, आप लोगों को उसी तरह से याद कर लेना। देखिए एक गोला बनाएंगे और उसके नीचे भी क्या कर लेंगे, दूसरा गोला, तो ये जुड़े हुए हैं ना संयुक्त 8, तो आप लोगों को इसी तरह से इसे याद कर लेना है। 112 देखो, 112 रुपए का हमारा क्या होता है, बजट होता है देश का, उसमें से हमने 2 माइनस करके, देखिए 112 जो है ये बजट है ना, अब माइनस किया 2 तो हमें मिला 110, तो ये भी क्या है रुपए से ही रिलेटेड है, तो धन विधेयक आप लोगों को याद हो जाएगा। 1 2 3 और अध्यादेश आप लोगों का निकल जाता है, आप बोलेंगे 1 2 3 और निकल गया, तो आप लोगों को याद रखना है। 124 जो है वो एससी का है, मीन्स सुप्रीम कोर्ट का है, और 137 पुनरावलोकन, 143 जो है राष्ट्रपति एससी से क्या करेगा, सलाह लेगा। नेक्स्ट पार्ट नीचे चलते हैं, ओके 143 तक हम लोगों ने देख लिया था। सीएजी का है 140 148 और 155 राज्यपाल से रिलेटेड है, 163 मुख्यमंत्री से, और महाधिवक्ता, ये सारे हमने ऊपर ऑलरेडी याद कर लिए हैं, आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। इसे फिर से ऊपर मैनेज करते हैं यहाँ पर। अब देखिए 45 से इधर को हम अगर चलेंगे तो 45 में हमें क्या मिल जाता है, 45 में निशुल्क शिक्षा के बारे में है, पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम्स में यूजुअली। 52 राष्ट्रपति से रिलेटेड है, ये हम ऑलरेडी मैं आप लोगों को इसके बारे में बता चुका हूँ। थोड़ा सा और मैनेज करते हैं, इसे नीचे तक ले जाते हैं। संसद के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका था, देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक से बताया था कि आप लोगों को क्या याद रखना है, सरल 3 तो आप लोगों को ऐसे ही याद हो जाएंगे, 79 80 और 81 कॉन्टिन्यूस है, तो इजीली आप लोगों को याद हो जाएंगे। अब देखिए ये भी आप लोगों को इजीली याद हो जाएगा, 124 है
और ये है आप लोगों का 214। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो 1, 2, 4, अब 1, 2, 4 को अगर आप 2 को क्या कर लेते हैं आगे ले आते हैं तो 2, 1, 4 हो जाता है। तो ये आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट हो गया और ये आप लोगों का हाई कोर्ट हो गया, तो दोनों आप लोगों को इजीली याद हो जाएंगे। तो होपफुली चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी और आप लोगों को ये भी समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमें चीज़ों को कोरिलेट करके और उनको थोड़ा बहुत इधर इधर उधर अगर आप थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे तो आप लोगों को आर्टिकल्स याद होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब आ जाता है जल विवाद। जल विवाद से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो कौन सा है आप लोगों को याद रखना है, वो है 262, 263 है अंतर्राज्यीय परिषद, और संचित निधि, संचित निधि कितने रुपए की है, 266 का। तो और मैंने आप लोगों को बजट बताया था कितने का था, 112 रुपए का बजट होता है, माइनस करेंगे 2 वो आ जाएगा आपका 110, ये हो जाएगा आपका धन विधेयक। उसके बाद आ जाता है निर्वाचन आयोग, 326 वेक्स का मताधिकार की बात आती है, 343 है आप लोगों का 343 343, इस तरह से ही इसे बोलते रहिए 343 343, ये आपका राजभाषा से है। और अब आ जाते हैं आप लोगों के जो आपातकाल हैं उससे रिलेटेड, तो ये आप लोगों का 52 56 और 60 वाला जो आर्टिकल है, ये तीनों क्या है आपातकाल से रिलेटेड है, ये आप लोगों को पता ही होगा। 52 जो है वो बाह्य आक्रमण के लिए आपातकाल पर लगाया जाता है, और 56 ये आपका राज्य के लिए है, और 360 ये आप लोगों का क्या है वित्तीय। इसके बाद आता है 368, ये संशोधन के लिए किया जाता है, मींस इसके इससे ही अभी तक जो टोटल संशोधन हुए हैं वो 106 हुए हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। 370 जो था कश्मीर का था, ये भी आप लोगों को क्या हो गया हटा दिया गया है, टोटल कितने हैं 448। तो होपफुली कि आप लोगों को चीजें इसमें से काफी सारी चीजें याद हो गई होंगी, आप इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं, और जो टोटल इसमें नोट्स हैं आप लोगों के पॉलिटी के, अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आप लोगों को एक के सामने नंबर है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हो जिसमें कि आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी वगैरह पूछा जाता है, तो हमारी जो ट्रिक्स के साथ में आप लोगों की वीडियोज हैं वो काफ़ी आप लोगों को हेल्प करेंगी, अगर आप बेसिक में हैं और चाहे एडवांस लेवल पर कर रहे हैं। एडवांस में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा काम आ जाता है रिवीजन अगर आप कर रहे हैं तो, और अगर आप बेसिक से कर रहे हैं तो अगर आपको थोड़े बहुत फैक्ट्स शुरुआत में याद कर रहे हैं तो ये ट्रिक्स अच्छी आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।